Hey everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel. In today's video, we are going to continue branch accounting, which is applicable for BCom program and BCom honors first year semester 1. Okay, so इस वीडियो में जो है हम ब्रांच अकाउंटिंग को कंटिन्यू करने वाले हैं. जैसे कि मैंने आपके ब्रांच अकाउंटिंग के तीन पार्ट्स जो है वो डाल चुकी हूँ. सो दिस इज द फोर्थ पार्ट. इन दिस वीडियो वॉट वी आर गोन डू इज वी आर गोन सॉल्व टू क्वेश्चन. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑलरेडी सॉल्व, मैंने उसको सॉल्व करके रखा हुआ है. आई एम ओनली गोना डिस्कस विथ यू बिकॉज वो वैसा क्वेश्चन सेम मैं आपको करवा चुकी हूँ. एंड जो सेकेंड क्वेश्चन है दैट क्वेश्चन इज डिफरेंट, सो आई एम गोना डू इन फ्रंट ऑफ यू. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो विच वी आर गोना डू इन दिस वीडियो. सो वी आर गोना डिस्कस टू क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर. ओके, आपका देखो मैं जो सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाती हूँ, अगर आप देखेंगे तो आपके बिजनेस लॉ की जो है वो वीडियोज ऑलरेडी अपलोडेड हैं. बट अगर मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं न्यू वीडियोस ट्राई करूंगी कि आपको आपके नए सिलेबस के अकॉर्डिंग डालने की कोशिश करूंगी. बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का मैं ये नहीं कह सकती कि मैं आपको फुल 100% सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगी. बट आई एम मेकिंग नोट्स फॉर यू दैट आई कैन गिव यू सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर और उसके आंसर्स मैं आपको प्रोवाइड कर सकूँ. राइट, सो या एंड प्लीज़ जो भी इस वीडियो के नोट्स होंगे वो सारे आपको मिलेंगे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में. इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ आपको डिटेल मिल जाएगी. प्लीज़ सब्सक्राइब मत टू माई चैनल. ओके, आप सब्सक्राइब करना अगर आपके लिए हेल्पफुल है, और ज्वाइन कर लो मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट में. आप लोग फॉलो करते हो फिर अनफॉलो कर देते हैं, आई डोंट गेट दैट थिंग. बट इफ़ यू आर यू नो using something like you know if you are you know taking benefit from something, so you should not be ashamed of subscribing or you know following. I guess it's not, I'm not offending anyone, but I'm just trying to tell you just follow me if you are getting some benefit from there. Okay, so yeah, let's get started with today's video. All right everyone, तो देखो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वैसा क्वेश्चन हमने ना कर रखा है. एक मिनट, लेट मी शो यू. सी, दिस इज योर क्वेश्चन. आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा आपके इंस्टाग्राम अकाउंट पे. राइट, तो मैं ये क्वेश्चन जल्दी जल्दी रीड आउट करूंगी बिकॉज ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं. सो आई एम नॉट गोनो यू नो लाइक गोनो पुट सो मच एफर्ट इन टू इट बिकॉज ये चीज हम कर चुके हैं. सो ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, दैट्स वाई आई एम डूइंग इट. राइट, ओके. नाउ अब देखो क्वेश्चन क्या है. एबीसी कंपनी लिमिटेड हैविंग देयर हेड ऑफिस एट दिल्ली with branches at Lucknow and Allahabad. Okay, तो इनका जो branch है वो एक लखनऊ में है, एक अलाहाबाद में है. Closes their annual accounts on 31st December 31st December. It's यहाँ पे कोई year नहीं given है, सिर्फ date given है. ये 31st December को हर साल ये लोग अपना account close करते हैं. When the following transaction have taken place, ये following transaction हुई है. पहली transaction क्या हुई है, पहली ट्रांजैक्शन हुई है आपकी रेमिटेंस ऑफ रुपीज 4500 मेड बाय लखनऊ ब्रांच टू इट्स हेड ऑफिस ऑन 31st दिसंबर एंड रिसीव बाय द हेड ऑफिस ऑन 5th जनवरी. मतलब रेमिटेंस जो है, रेमिटेंस का मतलब यहां पे हो गया कैश पे करा है. क्या पे करा है, कैश पे करा है. ठीक है, कैश पे करा है 4500 का लखनऊ ब्रांच ने अपनी हेड ऑफिस को 30 दिसंबर को. लेकिन हेड ऑफिस को कब रिसीव हुआ है, 5th जनवरी को रिसीव हुआ. डेट देखना, ध्यान रखना. ठीक है, अच्छा. उसके बाद सेकंड बोलता है गुड्स हैविंग यू नो वैल्यूइंग ऑफ 2200 2200 की वैल्यू है गुड्स की डिस्पैच बाय अलाहाबाद ऑन 27 दिसंबर अंडर द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द हेड ऑफिस एंड रिसीव बाय द लखनऊ ब्रांच ऑन 30th दिसंबर. यानी कि एक ब्रांच ने दूसरी ब्रांच को 2200 का जो है वो गुड्स डिस्पैच करा है. ये गुड्स डिस्पैच करा है अलाहाबाद ब्रांच ने 27 सितंबर को और लखनऊ ब्रांच को रिसीव हुआ है 30 सितंबर को. ठीक है, सेकेंड पार्ट हो गया. ऐसा करते हैं, ठीक है, ये आपका थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया. अब देखो क्वेश्चन, अभी हम ना जब एंट्री करेंगे साथ के साथ पढ़ लेंगे. अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोलता है शो दीज एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, हेड ऑफिस की बुक्स में सेकेंड लखनऊ ब्रांच एज एट द क्लोज ऑफ द
ईयर, यानी कि आपकी ब्रांच तो दो है, इलाहाबाद ब्रांच है, लखनऊ ब्रांच है और हेड ऑफिस है, लेकिन उसने एंट्री सिर्फ हेड ऑफिस के में मांगी है और लखनऊ ब्रांच के में मांगी है। तो मतलब आपको इलाहाबाद की जो ब्रांच है उसके बुक्स उसमें जर्नल एंट्रीज नहीं डालनी है, ठीक है, बात समझ में आई। और एक चीज जो आपको इम्पोर्टेंट नोट करने वाली है, उसने बोला है कि जो एंट्री डालनी है सिर्फ क्लोजिंग टाइम पे डालनी है, यानी कि जो 31 दिसंबर तक है, हमारा अकाउंट क्लोज होता है 31 दिसंबर, तो 31 दिसंबर तक की जितनी भी ट्रांजैक्शन होंगी तब तक की एंट्रीज हमें डालनी है, इज दैट क्लियर? ये चीज ध्यान रखनी है, तो इसलिए डेट्स इसमें इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। चलो अब हम दोबारा से एक एक ट्रांजैक्शन पढ़ेंगे और उसकी एंट्री देखेंगे कि हेड ऑफिस के में क्या एंट्री होती है और बुक्स के आपकी ब्रांच कौन सी ब्रांच, लखनऊ ब्रांच के में क्या एंट्री होती है। पहली वाली एंट्री तो मैं पढ़ चुकी हूँ कि 4500 का रेमिटेंस है लखनऊ ब्रांच ने किया है किसको, हेड ऑफिस को, लेकिन हेड ऑफिस को रिसीव हुआ 5 जनवरी को। तो क्या बताओ हेड ऑफिस के में क्लोजिंग टाइम पे कोई एंट्री होगी, नहीं होगी, हेड ऑफिस के में कोई एंट्री नहीं होगी क्योंकि उसको ये रिसीव हुआ है 5 जनवरी को, लेकिन हमें जो बुक्स बनानी है वो 31 दिसंबर तक की करनी है, तो ये आफ्टर यू नो कंप्लीशन ऑफ 31 दिसंबर हुआ, सो वी आर नॉट गोना पास द एंट्री इन द हेड ऑफिस जर्नल, ओके। वहीं पे लखनऊ ब्रांच में क्या एंट्री होगी, कैश इन ट्रांजिट, क्योंकि अभी कैश ट्रांजिट में है, डिलीवर हुआ नहीं है, ठीक है, डेबिट 4500 टू हेड ऑफिस 4500 बीइंग एंट्री फॉर रेमिटेंस स्टिल ऑन ट्रांजिट, इट्स वेरी सिंपल एंट्री, मेरे को ज्यादा फोकस करने की जरूरत है नहीं। सेकेंड एंट्री, गुड्स वैल्यूइंग 2200 डिस्पैच बाय द अलाहाबाद ब्रांच ऑन 27 दिसंबर अंडर द इंस्ट्रक्शन, मतलब उसने उसको भेजा। अब आप बताओ, हमने एक जो है वो रूल पढ़ा था इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन, तो हमने बोला था जो इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन होंगी किसी भी ब्रांच में किसी भी ब्रांच का नाम मेंशन नहीं होगा, हम बोलेंगे कि अगर एक ब्रांच ने दूसरी ब्रांच को गुड्स भेजा है, इसका मतलब ये हम अज्यूम करेंगे कि एक ब्रांच ने किसको सामान भेजा है, हेड ऑफिस को, और किससे सामान रिसीव हुआ, हेड ऑफिस से, ठीक है। तो यहाँ पे तीन आपकी जो एंट्री होगी वो हेड ऑफिस के में करनी है और हमें लखनऊ में करनी है, तो हेड ऑफिस के में तो एंट्री हमें बाद में करेंगे, पहले आप मुझे बताओ कि किसने भेजे, अलाहाबाद ब्रांच ने भेजे, तो अलाहाबाद ब्रांच जो है वो कौन सी ब्रांच होगी, गिविंग ब्रांच होगी, ठीक है, गिविंग ब्रांच होगी, और आपकी लखनऊ जो होगी वो क्या होगी, रिसीविंग ब्रांच हो गई, ठीक है, और हमें किसके में एंट्री करनी है, लखनऊ की, लखनऊ के में क्या एंट्री होगी, गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस डेबिट, यानी कि गुड्स आ रहे हैं, ठीक है, परचेस की तरह हो गया, डेबिट 2200 टू हेड ऑफिस, क्योंकि हम यहाँ पे ब्रांच का नाम नहीं लिख सकते, तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग यू नो नेम ऑफ ब्रांच वी हैव टू राइट इट हेड ऑफिस, बिकॉज वी आर अज्यूमिंग दैट ब्रांच इज डूइंग सम काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन विथ हेड ऑफिस, नॉट विथ एनी अदर ब्रांच, ओके। तो 2200 हो गया, तो गुड्स रिसीव फ्रॉम अलाहाबाद ब्रांच, देखो नरेशन लिखना आज के टाइम में इंपॉर्टेंट उतना है नहीं, बट आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग दैट नरेशन की जो है ना आपकी अच्छी प्रेजेंटेशन को शो करता है, सो अकॉर्डिंग टू मी नरेशन लिखनी चाहिए, इससे प्रेजेंटेशन अच्छी आती है, ठीक है। अच्छा आप बताओ इसकी एंट्री हेड ऑफिस के में क्या होगी, हमने बोला हेड ऑफिस के में एंट्री होती है रिसीविंग ब्रांच डेबिट, ठीक है, टू गिविंग ब्रांच, तो ये एंट्री होगी आपकी हेड ऑफिस में 2200 बींग गुड सेंट बाय, ये आपकी नरेशन आप ये देख लेंगे अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। चलो अब हम आ जाते हैं आपके थर्ड पार्ट में, देखो थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट बोलता है डेप्रिसिएशन अमाउंटिंग रुपीज 1100 ऑन लखनऊ ब्रांच फिक्स एसेट्स व्हेन अकाउंट्स ऑफ सच एसेट्स आर मेंटेन बाय हेड ऑफिस, मैंने आपको इसकी भी एंट्री करवाई थी। अब डेप्रिसिएशन की एंट्री किसके में होगी, डेप्रिसिएशन की एंट्री किसके में होगी, लखनऊ ब्रांच में, तो एंट्री क्या हो जाएगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस, एक्सपेंस यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगा, और हेड ऑफिस की में क्या एंट्री होगी, लखनऊ ब्रांच अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट, यानी कि डेप्रिसिएशन यहां चार्ज हो गया, ठीक है। तो यहां पे ये चीज है, ये आपको ध्यान रखनी है एंट्री। एंड द लास्ट एंट्री ऑफ दिस क्वेश्चन,
गुड्स वर्थ रुपीज 9,000 डिस्पैच्ड बाय हेड ऑफिस टू अलाहाबाद ब्रांच, यानी कि 9,000 रुपए के जो है वो गुड्स किसने भेजे हैं, हेड ऑफिस ने भेजे हैं, किसको भेजे हैं, अलाहाबाद ब्रांच को ऑन 31 दिसंबर, रिसीव बाय दैट ब्रांच ऑन 7 जनवरी. ब्रांच को 7 जनवरी को रिसीव हुए हैं, लेकिन इन्होंने जो डिस्पैच करे थे वो 30 तारीख को कर दिए थे. तो अब मुझे आप बताओ, क्या वैसे भी हम अलाहाबाद ब्रांच की बुक्स तो बना नहीं रहे, पहली बात. दूसरी बात, अगर हम अलाहाबाद ब्रांच की बुक्स बना भी रहे होते लेकिन उसको तो रिसीव 7 तारीख को हो रही है, तो हम तो एंट्री पास ही नहीं करेंगे, बिकॉज हमें 31 क्लोजिंग तक की एंट्रीज ही पास करनी है. इज दैट क्लियर? तो सिर्फ यहाँ पे जो एंट्री होगी वो किसके में होगी आपकी, यहाँ पे जो एंट्री होगी वो सिर्फ आपके किस में होगी, सिर्फ हेड ऑफिस में होगी. एंड द एंट्री इज गुड्स इन ट्रांजिट, क्योंकि अभी ट्रांजिट में है, रीच नहीं हुए टू अलाहाबाद ब्रांच, ठीक है. 9,000 एंड योर नरेशन. इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन. अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप इजिली अटेम्प्ट करके इसमें पूरा स्कोर कर सकते हैं. बस द थिंग इज कि आपकी जर्नल एंट्री का पोर्शन शुड बी वेरी स्ट्रांग. ओके, इज दैट क्लियर? चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, इट्स अ वेरी न्यू काइंड ऑफ क्वेश्चन, सो लेट्स स्टार्ट सेकेंड क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो. देखो आपका क्वेश्चन ये रहा. अब देखो ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एंड आई वांट टू टेल यू दैट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज वेल, ठीक है. बिकॉज इस तरीके की चीजें ये प्रैक्टिकली भी हैं सॉल्व करने के लिए, प्रैक्टिकल लाइफ में भी जरूरत होती है इनको सॉल्व करने की. अब देखो क्वेश्चन क्या है. क्वेश्चन आपका बोलता है ब्रिज लिमिटेड, ब्रिज लिमिटेड है कोई भी, मैंने ऐसे कंपनी का नाम लिख दिया. चेन्नई हैज अ ब्रांच, यानी कि चेन्नई जो है दैट इज योर हेड ऑफिस, हैज अ ब्रांच एट कोलकाता. देखो गाइज स्पेलिंग इग्नोर करना, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक, अब स्टेट की स्पेलिंग मिस्टेक मत माइंड करना. कोलकाता, पटना, गुवाहाटी एंड दिल्ली. ओके, सिंपल क्वेश्चन अभी हम रीड कर रहे हैं कि हेड ऑफिस चेन्नई में है और ब्रांचेस कहां पे है, कोलकाता में है, कोलकाता एंड पटना, then Guwahati and then Delhi. So we have 4 branches. Achha, first speedy disposal of goods. Goods ka matlab disposal karne ke liye. These branches are allowed transaction enters under advice to head office. Matlab ye aapas mein inter wo karti hai. Ek branch dusri branch ko saman bhejti, dusri teesri ko bhejti hai. लेकिन हेड ऑफिस के इंस्ट्रक्शन के एडवाइस के बेसिस पे. फॉलोइंग आर द इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शंस फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2019. ये जो नीचे की ट्रांजैक्शन दी गई हैं, ये फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2019 की दी हुई हैं. देखो ठीक है, यहां तक है. अब आपको मैं ये रीड करेंगे तब के साथ साथ क्वेश्चन करेंगे. देखो कोलकाता ब्रांच की ये ट्रांजैक्शन है, ये पटना ब्रांच की ट्रांजैक्शन है, एंड देन गुवाहाटी ब्रांच की ये ट्रांजैक्शंस है, ठीक है. अच्छा अब आपको देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया, ये ट्रांजैक्शन है, क्वेश्चन में डिमांड क्या है, आपको करना क्या है. बोलते हैं सेट आउट द जर्नल एंट्री, यानी कि ये जो ट्रांजैक्शंस हुई है उनकी जर्नल एंट्री करो, दैट द हेड ऑफिस वुड पास जर्नल एंट्री ऑन 31 जनवरी, ठीक है. And showing the working out of the net figure in a tabular form. अब ये tabular form में working को show करने की demand कर रहा है. अब मुझे आप एक बात बताओ, एक ब्रांच ने दूसरी ब्रांच को सामान दिया, दूसरी ब्रांच ने तीसरी ब्रांच को सामान दिया, अगर हम ऐसी ही एंट्री करते रहेंगे तो कितनी एंट्री हो जाएगी, बहुत सारी एंट्री. So this is not practically possible for us to pass so many entries on day-to-day basis. वैसे तो पास होती हैं, बट हम यहाँ पे ना बहुत सारी एंट्रीज पास नहीं करेंगे. हम क्या करेंगे, इन ट्रांजैक्शन का एक टेबुलर फॉर्म बनाएंगे और लास्ट में जो कंक्लूजन आएगा उसको हम एक एंट्री पास कर देंगे. अब ये कैसे होगा, देखो सबसे पहले एक ना टेबल बनेगी, ठीक है. दिस इज योर टेबल, how you have to draw a table. Presentation according to me is very important,
ठीक है, प्रेजेंटेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर एग्जामिनेशन, सो प्लीज प्रेजेंटेशन को आप अच्छा रखेंगे। अब देखो आपको ध्यान रखने वाली क्या बात है, आपका आपको फॉर्मेट क्या है, स्टेटमेंट ऑफ इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शन, ठीक है। कितनी ब्रांच है, कोलकाता, पटना, गुवाहाटी, दिल्ली, और हर ब्रांच का आप एक साइड बना दोगे डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट, तो ये टेबल तो ये बन गई। ओके, अब यहां पे देखो दोबारा से, देखो क्या बोल रहा है, कोलकाता बोलता है, कोलकाता ब्रांच की जो ट्रांजैक्शन हुई, कोलकाता ब्रांच ने सेंड करे गुड्स किसको, पटना को 2000 के, गुवाहाटी को 8000 के एंड दिल्ली को 9000 के। अब इसकी मैं एंट्री करूंगी तो आप मुझे बताओ एंट्री क्या होगी, क्या मैं इसकी एंट्री, सबकी एंट्री करनी पड़ेगी, है ना, फिर सबकी एंट्री करने के बाद मेरे को निकालना पड़ेगा नेट अमाउंट, समझ आ रही है। सो इट्स अ वेरी लेंदी मेथड, सो हम क्या करेंगे, पहले एक टेबुलर फॉर्म बनाएंगे, उसमें नेट अमाउंट निकालेंगे और एक जर्नल एंट्री पास कर देंगे। इज दैट क्लियर? ओके, सो अब आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले आपको समझने वाली बात है कि आप इसको करेंगे कैसे। देखो आप क्या करोगे, सबसे पहले ना यहाँ पे जैसे जो पहला है, पहला पोर्शन कोलकाता ब्रांच का दिया है, हम कैसे सॉल्व करेंगे, मैं यहाँ पे लिख दूंगी, इधर पे मैं लिख दूंगी कोलकाता ब्रांच, ये जो ट्रांजैक्शन है कोलकाता ब्रांच की ट्रांजैक्शन है, और पहली ट्रांजैक्शन का क्या इम्पैक्ट है, ठीक है, पहली ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट। अच्छा, अब पहली ट्रांजैक्शन का मैं इम्पैक्ट दिखाऊंगी कि इसने कोलकाता ने ब्रांच ने किस किस को गुड्स भेजा, 2000 का गुड्स भेजा पटना को, 5000 का गुड्स भेजा गुवाहाटी को, और 9000 का गुड्स भेजा आपके कोलकाता को, सॉरी दिल्ली को। तो इन टोटल इफ यू सी, इन टोटल कितने अमाउंट का गुड्स कोलकाता से गया, 2000 प्लस 5000 7000 एंड 7000 प्लस 9000 16000, यानी कि 16000 का गुड्स जो है वो कोलकाता के यहां से गया, यानी कि कोलकाता के वैसे तो गुड्स कम हो गया ना। तो आप पता है क्या कर सकते हो, डेबिट को आप प्लस मान लो, क्रेडिट को माइनस मान लो, डेबिट को प्लस मान लो, क्रेडिट को माइनस मान लो, प्लस माइनस प्लस माइनस। अब जो पहली ट्रांजैक्शन में है कोलकाता के में क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी ना, क्योंकि उसके पास से 16000 का गुड्स गया, पटना के में 2000 का गुड्स आया, तो मैं पटना के में क्या कर दूंगी, 2000 यहां डेबिट साइड में दिखा दूंगी, एंड देन गुवाहाटी के में 5000 का गुड्स आया, तो गुवाहाटी के में 5000 का गुड्स दिखा दूंगी, एंड देन दिल्ली के में 9000 का गुड्स आया, तो इनके में क्या दिखा दूंगी, 9000। इज दैट क्लियर? फाइन, ओके। नेक्स्ट, सेकेंड ट्रांजैक्शन, अब मैं यहाँ पे प्रेजेंटेशन सेकेंड, बिकॉज अगर मैं देखो आप यहाँ पे देखो, अगर मैं ना यहाँ पे पूरा ट्रांजैक्शन लिखूं, सेंड गुड्स टू पटना 2000 देन फिर ये करूं, तो ये कितना खराब सी प्रेजेंटेशन लगेगी, मतलब बहुत मेसी सा लगेगा। सो हम कैसे प्रेजेंटेशन देंगे, हम बोल रहे हैं कोलकाता ब्रांच की जो पहली ट्रांजेक्शन है उसका इम्पैक्ट ये रहा, कोलकाता ब्रांच की जो सेकेंड ट्रांजेक्शन है उसका इम्पैक्ट ये रहा, ठीक है। चलो अब देखते हैं आगे, ड्रॉस बिल ऑन पटना, पटना पे बिल ड्रॉ करा 1000 का, गुवाहाटी पे बिल ड्रॉ करा 3000 का, एंड दिल्ली पे करा 4000 का। अब ये बिल ड्रॉ करना क्या होता है, बिल ड्रॉ करना मतलब बिल्स रिसीवेबल, तो बिल्स रिसीवेबल कोलकाता के लिए क्या हो गया, एसेट। अब जिन पे ड्रॉ करा उनके लिए तो बिल्स पेबल हो गया ना, उनको तो पैसा देना है ना, तो बिल्स पेबल पटना गुवाहाटी और दिल्ली के लिए हो गया, बिल्स रिसीवेबल कोलकाता के लिए हो गया, तो ये अमाउंट कोलकाता के में क्या होगी, डेबिट होगी। कितनी डेबिट होगी, 1000 3000 4000 4000 एंड 4000 8000। तो मैं कोलकाता के में क्या लिख दूंगी, 8000, देन पटना के में से हम 1000 माइनस करेंगे, टेबल है ठीक है, और डैश लगा देंगे बिकॉज यहां पे कोई अमाउंट नहीं आएगी। देन गुवाहाटी के में हम लिख देंगे 3000 एंड देन हम लिख देंगे यहाँ पे आपका 4000। इज दैट क्लियर? चलो थर्ड यहां पे लिखो गया, रिसीव्ड गुड्स फ्रॉम पटना 7000, यानी कि कोलकाता ब्रांच को पटना की ब्रांच से 7000 रुपए आए,
गुवाहाटी से 6,000 रुपए के गुड्स आए, दिल्ली से 15,000 रुपए के गुड्स आए, यानी कि कोलकाता ब्रांच में टोटल कितने के गुड्स आए? आप ऐड करेंगे 7 and 6, 13, 13 and 15, 28, तो 28,000 के आपके इसके पास गुड्स आ गए। ठीक है, पटना ने तो गुड्स भेजे तो उसके वजह से तो माइनस हो जाएंगे कितना 7,000, एंड देन उसके बाद गुवाहाटी के में से कितने माइनस हो जाएंगे 6,000, एंड दिल्ली के में से माइनस हो जाएंगे आपके 15,000। ओके, चलो अब फोर्थ का, बिल्स एक्सेप्टेड ऑफ पटना ₹2,000, गुवाहाटी ऑफ 3,000 एंड दिल्ली ऑफ ₹6,000। सेकेंड में उसने बिल ड्रॉ करा था, अब वो बिल एक्सेप्ट कर रहा है, यानी कि बिल्स पेबल एक्सेप्ट कर रहा है, तो उसके में कितना अमाउंट आ गया पटना से 2,000, 3,000, 5,000, 5,000 एंड 6,000, 11,000। फोर्थ का कोलकाता पे 11,000 माइनस होगा, पटना ने ड्रॉ करा 2,000 का बिल, तो 2,000 आ जाएगा इसके में, देन इसके में 3,000 आ जाएगा, एंड देन आपके इसके में 6,000 आ जाएगा। इज दैट क्लियर गाइज? सो दिस इज हाउ यू हैव टू डू ट्रांजेक्शंस, हाउ यू हैव टू ड्रॉ टेबलर फॉर्म। अब इतना नहीं है, और है बहुत सारा अब पटना ब्रांच की में। अब हमारी प्रेजेंटेशन आपको थोड़ा और अच्छे से समझ आएगी। देखो ऐसा नहीं है कि ये जो ट्रांजेक्शन है वो नीचे वाले में भी नहीं, ये स्पेसिफिकली कोलकाता की दी है, तो कोलकाता का ऐसा नहीं कि कोलकाता के में ट्रांजेक्शन हुई तो आप उनका इम्पैक्ट जो है वो औरों में नहीं दिखाओगे, औरों में भी दिखाओगे क्योंकि उनके पास भी तो आ जा रहा है ना चीजें। ठीक है, अब आ जाते हैं पटना ब्रांच। देखो क्या लिखा है, पटना ब्रांच इन एडिशन टू ट्रांजेक्शन एज अफोर्सेड, मतलब ये और वो ट्रांजेक्शन इंक्लूडेड, एक इंटर रिलेटेड नहीं है, ये अलग ट्रांजेक्शन है। ठीक है, अच्छा अब हम इसको कैसे पार्ट करेंगे, हम यहाँ पे प्रेजेंटेशन में क्या लिखेंगे, सॉरी गाइज क्या कर सकते हैं, डॉगीज का कुछ नहीं कर सकते। ओके चलो, पटना ब्रांच क्या कर रही है, देखो पटना ब्रांच की पहली ट्रांजैक्शन, सेकंड ट्रांजैक्शन, थर्ड ट्रांजैक्शन एंड फोर्थ ट्रांजैक्शन। ओके चलो, अब गुवाहाटी ने सेंड करे गुड्स, सॉरी पटना ब्रांच ने सेंड करे गुड्स गुवाहाटी को 15,000 का एंड दिल्ली को 9,000 का। तो अब आप एक चीज देखोगे कि पटना की ब्रांच ने इनके साथ ट्रांजैक्शन करी, तो इसमें ये वाली कोलकाता का नाम तो आया नहीं है। ठीक है, क्योंकि कोलकाता को, देखो आप एक बात ध्यान से सोचना, ठीक है आप मेरी बात समझो, कैसे ये दोनों लिंक नहीं होंगे, क्योंकि कोलकाता की जो भी ट्रांजैक्शन थी ना वो सारी ये थी, अब कोलकाता नहीं आएगा आगे, मतलब पटना का जो भी था, अब पटना ने जो जो एक्सेप्ट कोलकाता के साथ करी वो यहाँ पे आएंगी। इज दैट क्लियर? ठीक है, ओके सो इन्होंने करा तो अब आपके इसका इन पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि इनके ट्रांजैक्शन हम ऑलरेडी पास कर चुके हैं। अब पटना ने गुड्स भेजे 15 और 9,000, तो पटना के में से कितने का गुड्स गया, पटना ने कितने का गुड्स अपने में से भेज दिया 24,000 का आई गेस, या सो 24,000 पटना के में से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और इसमें से गुवाहाटी के में ये 15,000 आ जाएगा एंड इसके में दिल्ली के में 9,000। ओके, सेकेंड है ड्रॉन बिल ऑन गुवाहाटी 10,000 एंड दिल्ली 5,000। अब इन्होंने बिल ड्रॉ करा, तो बिल ड्रॉ करने का मतलब क्या हुआ, पटना के लिए बिल्स रिसीवेबल और बाकियों के लिए बिल्स पेबल, तो कितने का बिल ड्रॉ करा, डेबिट 15,000। ठीक है, इनके में 10,000 बिल्स पेबल बन जाएगा एंड दिल्ली के में 5,000 बिल्स पेबल बन जाएगा। थर्ड, रिसीव गुड्स फ्रॉम गुवाहाटी 6,000 एंड दिल्ली से 8,000। अब इसको गुड्स रिसीव हुआ तो 6 + 18, 14,000 का इसके पास गुड्स आया तो डेबिट। ठीक है, एंड देन गुवाहाटी ने तो दिया है ना, तो गुवाहाटी के में से माइनस हो जाएगा 6,000 एंड दिल्ली ने भी दिया है तो दिल्ली के में से 8,000 माइनस हो जाएगा। अब देखो, एक्सेप्टेड बिल्स ड्रॉन बाय गुवाहाटी 3,000 एंड दिल्ली 4,000। अब इसने एक्सेप्ट करा तो इसके लिए ये बिल्स पेबल हो गए, तो टोटल बिल्स पेबल 7,000, यानी कि बिल्स पेबल, इसके लिए ये हो गया आपका बिल्स रिसीवेबल,
इसके लिए हो गया आपका ये बिल्स रिसीवेबल. इज दैट क्लियर गाइस? ओके, लेट मी ड्रॉ लाइंस. आगे की लाइंस मैं ड्रॉ कर देती हूँ. आई होप आपको ये समझ आ रहा हो. अगर आपको समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट भी कर देना कि आपको अच्छी लग रही है पढ़ाई करना मेरे साथ. ठीक है, चलो अब आ जाते हैं क्वेश्चन के आगे पार्ट में. गुवाहाटी ब्रांच, अब मैं ऐसे ही लिखूंगी गुवाहाटी ब्रांच का भी. ओके, तो गुवाहाटी ब्रांच, ठीक है. अब देखो गुवाहाटी ब्रांच की इन एडिशन टू ट्रांजैक्शन, अब गुवाहाटी के ब्रांच की जो ट्रांजैक्शन होगी वो सिर्फ दिल्ली के साथ बचेंगी, है ना. तो गुवाहाटी ने, अब इनके में ट्रांजैक्शन आएंगी नहीं, इसमें फोर है, 1, 2, 3 एंड 4, इनके में तो आएगी नहीं 1, 2 में, क्योंकि इनका पोर्शन क्या हो चुका है, डन हो चुका है. राइट, आई होप आपको समझ आ रहा हो. गुड्स इसने भेजा दिल्ली को 6000 का, तो इसके में से तो 6000 माइनस हो जाएगा, दिल्ली के में 6000 आ जाएगा. देन इसने बिल ड्रॉ करा है दिल्ली पे 4000 का, तो इसके में 4000 डेबिट, इसके में 4000 क्रेडिट. ठीक है जी. देन गुड्स रिसीव हुआ दिल्ली से 8000 का, तो इसके में डेबिट और इसके में क्रेडिट. देन इसके बाद इसने बिल ड्रॉन बाय दिल्ली, दिल्ली ने इस पे बिल ड्रॉ करा, यानी कि इसके लिए बिल्स पेबल हो गया, इसके में हो जाएगा आपका क्रेडिट और इसके में हो जाएगा आपका डेबिट. इज दैट क्लियर? ओके, अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन तो खत्म हो गया, अब आपको जर्नल एंट्री पास करनी है. और कुछ जर्नल एंट्री आप कैसे पास करोगे, टेल मी हाउ यू विल पास द जर्नल एंट्री इन दिस केस. नाउ What you need to do is कि आपको पहले इन सब का टोटल करना है. हम क्या करेंगे, इनका टोटल कर लेंगे. Let's do the total of this. ठीक है जी, चलो जी टोटल कर लो. Yes, टोटल करो. इसका टोटल कितना आएगा आपका, 28 प्लस 8 कितना होता है, 36,000. 16,000 प्लस 11,000, 27,000. इसका टोटल कर लो कितना हो गया, 33,000. 33 होएगा ना, 4, 4, 4 and 18, 18 or 33. Then what is the total of this, 7, 7, 14, 15, 15 and 24, 39,000. Then this is 5, 8, 8 and 15, कितना 23, 26, 26 and 4, this is your 38,000. ओके, देखो आपको कैलकुलेशन ऐसे करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज कैलकुलेटर इज अलाउड, सो यू कैन यूज योर कैलकुलेटर एज वेल. ओके, सो दिस इज 40,000 and 43,000 and दिस इज योर 44,000. टोटल आप कर लिया आपने. अब एंट्री पास करने के लिए आपको क्या करना है, आपको याद है आपने 12th क्लास में पास्ट एडजस्टमेंट किए था. पास्ट एडजस्टमेंट भी कुछ ऐसे ही था, टेबुलर फॉर्म में डेबिट क्रेडिट एंड देन यू गाइज यूज टू यू नो पास द ट्रांजेक्शन इन दिस फॉर्मेट. आई होप आपको याद हो. चलो आई विजिबल है ना. चलो अब देखो कोलकाता के में 36 डेबिट है, 27 क्रेडिट है, तो आपका कौन सा बैलेंस ज्यादा है इसमें, डेबिट बैलेंस ज्यादा. कितने से डेबिट ज्यादा है, 9000 से. तो यहाँ पे 9000 क्या आ जाएगा, डेबिट कोलकाता के लिए. इसको ज्यादा रिसीव हुआ है ना, ठीक है, मतलब नेट अमाउंट निकालोगे आप, रिसीविंग नेट. अल्टीमेटली इसके पास कितने का गुड्स आया, देखो 36,000 का इसके पास आया, 27,000 इसके पास गया, तो नेट इसके पास कितना पड़ गया, 9000. तो हमारे लिए हम मानेंगे कि 9000 इसको रिसीव हुआ है, सो 9000 इज डेबिट, ज्यादा आया जो डेबिट. And then here is 6000 credit, 33 आया, 39 इसने भेजा, तो ज्यादा भेजा ना, कितना ज्यादा भेजा, 6000, हम मानेंगे 6000 का नेट इसने भेजा. देन 38 रिसीव, 40 गया, 2000 क्रेडिट. ओके, देन 43 का रिसीव हुआ, 44 इसने भेजा, 1000 का इसने क्रेडिट करा. ठीक है, अब एंट्री तो बहुत सिंपल है, डेबिट जो है उसको डेबिट कर दो, क्रेडिट जो है उसको
क्रेडिट कर दो, तो ये एंट्री हुई तो होगी। रिसीविंग ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गिविंग ब्रांच, क्योंकि रिसीविंग वाले को 9000 ज्यादा रिसीव हुई हैं, 6000 ज्यादा दिए हैं, 2000 दिए हैं, मतलब एक तरीके से आप देखोगे तो हमने अपनी कैलकुलेशन को क्या कर दिया, बहुत ही शॉर्ट कर दिया। नाउ योर एंट्री इज कलकत्ता, आपकी कैलकत्ता है ना, कोलकाता, कोलकाता ब्रांच डेबिट 9000 टू पटना ब्रांच कितना 6000 टू गुवाहाटी ब्रांच कितना 2000 टू दिल्ली, ठीक है, टू दिल्ली ब्रांच 1000, ठीक है। ये मैं नरेशन अपने अकॉर्डिंग लिख रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। सो दिस इज योर एंट्री एंड दिस इज द होल क्वेश्चन। आई होप आपको ये नया क्वेश्चन समझ आया हो, ठीक है, ओके। ऑल राइट एवरी वन, सो इन दिस वीडियो वी डिस्कस टू क्वेश्चन। आई विल ट्राई टू मेक एज लॉन्ग यू नो एज लॉन्ग एज वीडियोज आई कैन, ताकि मैं आपका सिलेबस जल्दी से कम्प्लीट करूँ, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। Subscribe to my channel, share my videos with your friends, share you know notes, everything, like you know, you can suggest them to subscribe my channel as well, okay। Join me on my Instagram account। अब अपनी पढ़ाई शुरू कर दो। मैं आपके लिए हर वीडियो जो है वो 9 बजे करीब अपलोड कर दूंगी, ताकि आप रात को बैठ के पढ़ाई कर सके। एटलीस्ट ये हो ना, आप कुछ नहीं कर रहे हो, लेकिन जो मैं आपकी वीडियोज डाल रही हूँ अगर आप उनको भी देख रहे हो, तो कुछ ना करने से तो अच्छा है कि आप कुछ कर रहे हैं, राइट। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आपको पता है आप मुझे इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं, नोट्स वहीं पे है, सब कुछ, एवरीथिंग। आई एम ट्राइंग टू डू एवरीथिंग, सो इट्स टेकिंग टाइम, सो प्लीज़ डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। बट ऐसा नहीं है कि डोंट वरी अबाउट एनीथिंग का मतलब कुछ करना नहीं है। डू समथिंग दैट यू कांट, यू नो, यू नीड नॉट टू वरी अबाउट एनीथिंग, राइट। सो वेन यू डू समथिंग, सो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट समथिंग। इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ करोगे नहीं और चिंता भी करोगे, चिंता भी करोगे तो फिर तो कुछ होगा नहीं, ओके। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो।